स्वागत है आपका भारतीय खाना चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत वाले आलू के पकोड़े। जो आलू है हमारे 200 ग्राम, हमने इसको पतला पतला काट लिया है लंबे से, और हम इसको बनाएंगे चावल के आटे से। सामक के चावल होते हैं ना व्रत के, वो ये बाजार में भी इसका आटा मिल जाता है। ये हमने चावलों को घर में पीस लिया है मिक्सी में। और जो एक चम्मच काली मिर्च है पिसी हुई, एक चम्मच सेंधा नमक है व्रत का, ये व्रत में डालते हैं। ये 200 ग्राम ऑयल है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमने कढ़ाई रख दी है, अब हम गैस ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे तेल। ये फार्चून तेल है रिफाइंड, सरसों के में नहीं बनाने, सरसों का तो खाते नहीं है ना व्रत में। जब तक तेल गर्म हो रहा है हमारा, जब तक हम इसमें आटा और मसाला मिलाते हैं। बच्चों को ये पकोड़े अच्छे लगते हैं व्रत में। अब जो आधा नमक लेंगे हम, क्योंकि इसके लिए ज्यादा है, आधा चम्मच, आधा चम्मच ही हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर काली मिर्च। इसीलिए इसको दही से खाया जाता है और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये। अगर सामक के चावल वैसे ही बना लेते हैं ना, वो बच्चों को पसंद नहीं आते, बच्चे खाते नहीं है जी, पेट भर के नहीं खाएंगे, दो तीन चम्मच खाएंगे बस छोड़ देंगे। ये आराम से खाते हैं पेट भर के। देखिए कैसे मिल रहा है आटा एकदम। अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा मसाला मिलाने पे। ऐसे करारे करारे बनते हैं ना कि आप भी देखेंगे तो आपका भी मन करेगा कि हम अभी बनाएं और खाएं, और मिनटों में बन जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा। ये हमारा तैयार है। अब हम इसको डालते हैं कढ़ाई में, गैस को कम कर लेते हैं। अभी दो तीन मिनट में हम इसे पलट देंगे, अभी सीख जाएंगे एक तरफ से, फिर हम इसे पलटेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं करारे करारे। ऐसी आवाज आ रही है, ऐसे स्नैक्स भी होता है, इतना स्वाद जितना इसमें होता है। और देखिए कितने करारे बन जाते हैं। और इन आलुओं को पकौड़ों को आप कोई से भी व्रत में खा सकते हैं। तो जी हमने अब निकाल लिए हैं, अब हम और सेकते हैं। अब ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है ना, तो इसमें हम हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए। इसमें हम कुट्टू सिंगाड़े के आटे का बनाते हैं ना, तो वो पानी छोड़ देता है, और ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, अभी भी सूखा सूखा ही है, तो इसकी वजह से ये करारे भी बहुत बनते हैं। रातों में भी खा सकते हैं, रात आते हैं ना, इन व्रत में भी खा सकते हैं। शिवरात्रि को, जलमाष्टमी को, कोई से भी व्रत में बना सकते हैं इसको। झटपट बनाओ, फटाफट व्रत खोल लो, दही ले लो साथ में और खाओ। जब इन पकौड़ों को कढ़ाई में डालो तो गैस हल्की कर दो, जब इसको निकालना है उससे पहले तेज कर लो, थोड़ा तेज मुझे सीखते हैं। तो हम इसको फिर मल्टी कर देते हैं और निकालते हैं।
करारे करारे बन गए। तो तैयार है हमारे व्रत में खाने वाले आलू के पकोड़े। इसे दही से खाइए चाहे मीठी चटनी से खाइए, अगर व्रत नहीं है तो मीठी चटनी से खा सकते हैं, ये तो दही से ही खाइएगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।